के चूहे पे सवार होके घर आना मेरे घर आना, चूहे पे सवार होके मेरे घर आकर के गणपति, मेरे घर आकर के गणपति, मेरे घर को स्वर्ग बना जाना। जो लोग चाहते हैं हमारा घर स्वर्ग जैसा रहे, जरा हाथ ऊपर कर लो बिल्कुल सीधे। हाँ जी बिल्कुल सीधे हाथ, और ताली से बोलो कि चूहे पे सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना, चूहे पे सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना, चूहे पे सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना। मेरे घर आ करके गणपति, मेरे घर आ करके गणपति, ओ मेरे घर को स्वर्ग बना जाना। चूहे पे सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना, चूहे पे सवार होके घर आना। जिसके घर में आ गए अमंगल दूर और मंगल शुरू हो जाते हैं। तो जिन्हें अपने घर में मंगल कराना, ये बताइए सबसे पहले भगवान गणेश किन के पुत्र हैं? हाँ जी, माता पार्वती और महादेव। क्या बात है, बोली सच्चे दरबार की जय। शिव शंकर माँ पार्वती के लाल, दर्शन दे कर कर दो हमें निहाल। शिव शंकर माँ पार्वती के लाल, दर्शन दे कर कर दो हमें निहाल। शिव शंकर माँ पार्वती के लाल, दर्शन दे कर कर दो हमें निहाल। शिव शंकर माँ पार्वती के लाल, दर्शन दे कर दो हमें निहाल। तेरा नाम जो बप्पा ध्याय है, तू बिगड़े काम बनाए है। तेरा नाम जो बप्पा ध्याय है, तू बिगड़े काम बनाए है। सब मानते भगवान गणेश बिगड़े काम बनाते हैं। हाँ जी, आप लोग साइड में से अगर इधर आ जाओ, साइड में किसी भी काम नहीं बनते। अच्छा भाई बैठेंगे आप लोग, क्या बात है। चलो जहाँ जहाँ है लेकिन हाजिरी पूरी लगनी चाहिए। हाँ भैया, ये मानते हैं भगवान गणेश बिगड़े कांच बनाते हैं? हाँ। कैसे बनाते हैं? अगर बनाए होते तो आप ऐसे बैठे होते खामोश खामोश। बोली सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, अगर जब काम बनता तो आदमी खुश होता है। कैसे होता है? मुंह पे खुशहाली दिखती है, लग रहा है भैया बहू ने मार के भेज दियो। हाँ जी, हाथ उठा के बोलो गणेश भगवान की। काहे शिव शंकर माँ पार्वती के लाल, दर्शन दे कर कर दो हमें निहाल। तेरा नाम जो बप्पा ध्याय है, तू बिगड़े काम बनाए है। तेरा नाम जो बप्पा ध्याय है, तू बिगड़े काम बनाए है। मेरी सुन कर करुण पुकार तू, मेरी सुन कर करुण पुकार तू, मेरे दुख संताप मिटा जाना। चूहे पे सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना, चूहे पे सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना। भगवान गणेश की पत्नी कौन है? हाँ भाई, एक बार इस बच्चे के लिए तालियां बजा दो। कहते हैं जिस सभा में सवाल हो और सवाल का जवाब देने वाला मौजूद हो उसे कहते हैं समझदार।
क्या कहते हैं? और मेरे ख्याल से यहाँ पर सब समझदारी बैठी। हाँ जी, कितने समझदार हैं जरा हाथ उठाओ। सब समझदार हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो गणेश जी महाराज की जय। इनकी पत्नी कौन है और पुत्र कौन है? आ बेटा इधर आ जाओ। शुभ लाभ एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजा, जोरदार ताली बजा दो। क्या बात है, शुभ और लाभ। कहते हैं जहां ये आ जाएं वहां कभी अशुभ, और लाभ ही लाभ होता है जहां जी आ जाते हैं। का है रिद्धि सिद्धि के हो तुम दाता, विघ्न विनाशक हो मेरे सरदार। वही पाए हैं शुभ लाभ को वही पाए हैं। मेरी बिनती सुनकर गणपति, मेरी बिनती सुनकर गणपति, किस्मत मेरी चमका जाना, चूहे पे सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना, चूहे पे सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना, चूहे पे सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना, सवार होके घर आना मेरे घर आना। जो लोग बुला रहे हैं जरा हाथ ऊपर करो। हाँ जी, सेवा तब तक अधूरी होती है जब तक हाथों से सेवा नहीं दी जाती है। जागरण और भजन संध्या में ताली का बहुत महत्व है। जैसे भोजन बगैर थाली के अधूरे है, ऐसे ही ताली बगैर भजन अधूरा है। जरा हाथ ऊपर करो, ऐसे करें। रेडी, 1 2 3 4 भी भजन या भेंट लिखता हूं, सर्वप्रथम अपने गुरु का नाम जिससे मैंने गाना बजाना सीखा, उसके पश्चात जो लोग मुझसे गाना बजाना सीख रहे हैं उनके भी नाम जुड़ते हैं। एक बार हाथ उठा के बोलो गणेश जी महाराज की जय। दीपक करता चरणों में परिया, दिव्या को बुद्धि देना सरकार। दीपक करता चरणों में मरिया, ओ दिव्या को मुक्ति देना सरकार। जो आएगा वो पाएगा, वो पाएगा। जो आएगा जो आएगा वही आएगा, वही आएगा। चंदू पागल तेरे चरणों का, चंदू पागल तेरे चरणों का, इसका सम्मान बड़ा। बरेली शहर का छोटा सा नाम जो आपके सम्मुख हाजिरी लग रही है, चंदू पागल। लेकिन पागल वो नहीं जो किसी का सर फोड़ दे, पागल वो जो इनके चरणों में रमाओ। एक बार हाथ उठा के बोलो गणेश जी महाराज की। दीपक मेरा बड़ा भाई जिसने मुझे गाना बजाना सिखाया, मेरा गुरु, और जो लोग मुझसे सीखते हैं मेरे भजनों में उनका जरूर नाम आता है। बोलिए सच्चे दरबार की। दीपक करता चरणों में फरियाद, दिव्या को बुद्धि देना सरकार। जो आएगा वही पाएगा, जो आएगा वही पाएगा, तेरे नाम को गणपति गाएगा। चंदू पागल तेरे चरणों का, चंदू पागल तेरे चरणों का, इसका सम्मान बड़ा जाना। अब जो लोग अपना सम्मान चाहते हैं इस जहान में, बिल्कुल हाथ सीधे करो। हाँ, जिन्हें सम्मान चाहिए सबसे पहले जब हाथ उठाएंगे तो भगवान गणेश के लिए सम्मान के लिए उठाएंगे, बिल्कुल सीधे हाथ, और दुगन के संग बोलेंगे कि चूहे पे सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना, चूहे
पर सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना, मेरे घर आकर के गणपति, मेरे घर आकर के गणपति, ओ मेरा सोया भाग जगा जाना, तुम पर सवार होके घर आना, घर आना मेरे घर आना। भोलेनाथ कहने लगे, गौरा मुझे तू भंग पिला दे, गौरा तू इनकार न करे। कौन कौन भोलेनाथ के संग में है, जरा हाथ उठाओ। हाँ, माता पार्वती वाली भी उठा ले, क्या बताए, बिल्कुल सीधे और तालियां कहेंगे, ओ गणपत के पिताजी मैं आधे अंगी साजी, ओ गणपत के पिताजी मैं आधे अंगी साजी, ओ तेरी भांग रगड़ना राजी तू लचा करे, अरे मुझे भांग पिला ले गौरा तू इनकार ना करे, ओ गणपत के पिताजी मैं आधे अंगी साजी, ओ गणपत के पिताजी मैं आधे अंगी साजी, तेरी भांग रगड़ना राजी तू लचा ना करे, अरे मुझे भांग पिला ले गौरा तू इनकार ना करे, ओ गणपत के पिताजी। अरे हाथ लगा हो, माता गौरा कह रही है भोलेनाथ से शिकायत करते हुए कि ब्रह्मा विष्णु नहीं कभी भी भांग हाथ के लाते, ये तो भांग नहीं पीते, और त्रिलोकी के नाथ भांग का शौक तुम ही फरमाते, मतलब आप ही भांग पीने वाले हो, ऐसी क्या बात है। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता गौरा से, मैं बाबा धूनी वाला, मैं धूनी रमाता हूं, मैं बाबा धूनी वाला, मेरा सबसे ढंग निराला, मैं बाबा धूने वाला, मेरा सबसे ढंग निराला, जरा हाथ उठा लो, हाँ जी, और कह रहे मेरा भरते भांग का प्याला तू इनकार ना करे, अरे मन भंग पिला दे गौरा तू इनकार ना करे, ओ गणपत के पिताजी मैं आधे अंगी साजी, ओ गणपत के पिताजी मैं आधे अंगी साजी, तेरी भांग रगड़ ना राखी तू लजार ना करे, अरे मन भांग पिला दे गौरा तू इनकार ना करे, ओ गणपत के पिताजी। अरे हाँ तो खोल गए, क्या हो सीधा करके हो गई है। बोले गौरा भांग मैं पीता हूं, प्रॉब्लम तुझे? अरे भाई भांग मैं पीता हूं, मुझे चढ़ती है, मैं झूमता हूं, प्रॉब्लम तुझे कैसे?
भोलेनाथ खाली भांग पी के झूमने की प्रॉब्लम नहीं होती है, जब भांग पीस कर देखोगे तब पता चलेगा क्या होता है। बोले क्या होता है? भोलेनाथ आज तक मैंने भांग ओढ़ी, आपको मैंने बताया नहीं कि मेरे संग में क्या होता है। आज देखिए मैं बताने जा रही हूं मेरे संग में क्या होता है, सुनिए। लगा लगा के घोटा खोलना पड़े हाथ में छाले, ऐसी कौन सी मस्ती जिसमें उड़े नाथ मत वाले। लगा लगा के घोटा खोलने पड़े हाथ में छाले, ऐसी कौन सी मस्ती जिसमें उड़े नाथ मत वाले। लगा लगा के घोटा बोले पड़े हाथ में छाले, और ऐसी कौन सी मस्ती जिसमें बड़े नाथ मत वाले। भगवान भोलेनाथ बड़े खुश हुए, बोले छाले दिखा रही है ऐसे, ये नहीं मालूम भांग पीने के बाद मैं सारे छाले भूल जाता हूँ। इतना आनंद आता है भांग पीने के बाद मैं समाधि में चला जाता हूँ, किसी की परवाह नहीं है, सबको खाली बंद आंखों से देखता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। कि लगा लगा के घोटा भोले पड़े हाथ में छाले, और ऐसी कौन सी मस्ती जिसमें बड़े नाथ मत वाले। भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, गौर भांग जो ठंडा वर्ण से मैं आई, गौर भांग जो ठंडाई वर्ण से मैं आई। हाथ ऊपर, गौर क्यों तूने देर लगाई तू निकाल ना कर, अरे मन भक्त ला दे गौर तू निकाल ना कर। ओ गणपत के पिताजी मैं आदे यंग की शादी, ओ गणपत के पिताजी मैं आदे यंग की शादी, तेरी भांग रगड़ ना रोजी तू लचर ना करे, अरे मन भक्त पिला दे गोरा तू निकाल ना करे। ओ गणपत के पिताजी ये गहरी सच्ची बात नाथ में घोट घोट के हारी, और मेरी बात का असर नहीं कि शिव बोले भंडारी भंडारी। भगवान भोलेनाथ कह रहे गौरा सब बातों को छोड़ दे और भांग रगड़ कर ला दे। भोले बाबा यू बोले ला घोटा होले होले, भोले बाबा यू बोले ला घोटा होले होले, भंग पीने को मंडोले तू इनकार ना कर, अरे अरे भंग पिला दे गोरा तू इनकार ना करे। ओ गणपत के पिताजी मैं आदे यंग के साथी, ओ गणपत के पिताजी मैं आदे यंग के साथी, तेरी भांग रगड़ ना राजी तू लचार ना कर, अरे अरे भंग पिला दे गोरा तू इनकार ना करे। ओ गणपत के पिताजी मैं आदे यंग की साथी, ओ गणपत के पिताजी अरे मन भंग पिला दे गोरा तू निकाल ना करे, अरे मन भंग पिला दे गोरा तू निकाल ना करे, अरे मन भंग रगड़ दे ला दे तू निकाल ना करे, मन भंग पिला दे गोरा तू निकाल ना करे, मन तू भंग रगड़ दे ला दे तू निकाल ना करे, अरे तू भंग रगड़ के ला दे तू निकाल। ऐसे कर बिल्कुल सीधे, हाँ जी, और ताली बजा के बोलेंगे आज बड़खार की बाजी है, 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 और शिव शंभू की गौरा जी से हार की बाजी है, आज
आइए खेल शुरू हुआ। खेल रहे चौसर भोला, आप लोगों को एक शब्द बोलना है, जिनके पास जुबान है वो जोर से बोलेंगे। कहते हैं बोलने को दी जुबान मगर बोलते नहीं, और मेरे महाकाल का नाम लेने को अपना मुंह बोलता बोलते नहीं। आज का ना बोलना आप लोगों को कल याद आएगा, जब बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा, तब ये दिन ध्यान आएगा के भजन कीर्तन में बैठे लेकिन हाजिरी कोई नहीं लग रहा। आपको बोलना खाली जय हो। क्या बोलना है? जोर से बोल के दिखाइए, जय हो। अरे आवाज थोड़ी कम है, पीछे वालों भी आवाज निकालो, आगे वाले पूरी मेहनत कर, पीछे वाले कंजूसी कर रहे हैं। हाँ जी, मिलकर बोलो जय हो। खेल रहे चौसर भोला, थोड़ी जान निकालिए। खेल रहे चौसर भोला, आए कर भांग का गोला। खेल रहे चौसर भोला, खाए कर भांग का गोला। क्या खाकर खेल रहे हैं? भांग का गोला। अब देखिए खेल शुरू हो गया, भांग का गोला खा लिया भगवान भोलेनाथ ने, दांव पर क्या लगा रहे हैं आइए सुनिए। चंदा मामा को हारे हार गंगा बेचारे, चंदा मामा को हारे हार गंगा बेचारे। अच्छा कौन लोग ध्यान से सुनना है, जरा हाथ उठाओ। जो लोग ध्यान से सुनना उनसे सवाल होगा मेरे इस भजन के अंदर। हाँ जी, कितनी चीजें हार गए भगवान भोलेनाथ? दो। क्या बात है, एक बार तालियां बजाओ अंदर वाले भैया के लिए, बिल्कुल सही गिनने हैं। क्या क्या हार रहे हैं ध्यान से गिनकर बताना है। खेल रहे चौसर भोला, खाए कर भांग का गोला, चंद मामा को हारे हार गंगा बेचारे, चंद मामा को हारे हार गंगा बेचारे। हार गए डंडक मंडल, हार कानों के कुंडल, हार गए डंडक मंडल, हार कानों के कुंडल। कितनी चीजें हो गई टोटल? चार, पांच, क्या क्या? आज ही आज ही आप बताइए सही गिनने। अच्छा भूल गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो ध्यान से सुन रखा है, ऐसा नहीं है, एक बार तालियां बजा दो, क्योंकि बताने वाला मैंने क्या समझदार महसूस होता, उन्होंने दूर से हाथ दिखाया, मैं बता रही हूं। हाँ जी, कितनी चीजें हारे भोलेनाथ? चार, क्या क्या? हाँ जी, कितनी चीज हारे? दो गिनी थी। चंद मामा को हारे हार गंगा बेचारे, हार गए डंडक मंडल, हार कानों के कुंडल। टोटल कितनी चीजें? चार। यहां भी रॉन्ग हो गए आप भी, मैंने कहा ध्यान से सुनने वाले भक्त होने चाहिए। अब सुनिए कितनी चीजें हारे हैं, टोटल पांच चीजें हारे हैं, और इसके लिए धन्यवाद। पांच चीजें क्या क्या आ रहे हैं? चंदा मामा, गंगा मैया और दंड। दंड लकड़ी का होता, हाथ टेक के बैठते हैं ऋषि मुनि भगवान भोलेनाथ। दंड हार गए, कमंडल हार गए, और कानों के कुंडल भी हार गए। कुंडल हार गए, जरा हाथ उठा के। हार गए दंड कमंडल, हार कानों के कुंडल, हार गए दंड कमंडल। धन्यवाद। हार गए वो मृगशाला, मृगशाला भी गई, जो पहने थे वो भी उतार के रख दिया, वैसे ही नागा बाबा हैं, और जो पहने थे वो भी चला गया। हार गए वो मृगशाला, दांव में गई मुंडवाला, हार गए वो मृगशाला, दांव में गई मुंडवाला। धन्यवाद। अब इधर भगवान भोलेनाथ परेशान हो गए कि भाई एक एक करके सब चीज गौरा मैया हराने लगी, अब ऐसा क्या है जो दांव पे लगाऊं और अपना धारा हारा हुआ धन वापस पाऊं। तो पीछे से आ गया भगवान भोलेनाथ का नादिया, पीछे से आ गया नादिया, भोलेनाथ ने उसे भी दांव पर लगा दिया, लगा दिया दांव पर। नंदी स्वामी हार गए अंतर्यामी, दांव पर नंदी स्वामी हार गए अंतर्यामी, अब तो त्रिशूल सवाला वो भी जुए में डाला, अब तो त्रिशूल सवाला वो भी जुए में डाला। हो
भोलेनाथ कह रहे हैं माता गौरा से के गौरा इतनी देर से मैं भी खेल रहा हूं, अभी तक एक बाजी नहीं जीता, तू कोई चालाकी तो नहीं कर रही है? चाले मैं भी खेल रहा हूं, एक चाल नहीं जीता, जरूर कोई तू चालाकी चल रही है। हाँ चलिए चलिए, सम्मान दे रख लीजिए। माता गौरा बोली भोलेनाथ मैं कोई चालाकी नहीं कर रही हूं, ये तो अपनी अपनी फनकारी है, जो हारा वो और जो जीता वो सिकंदर। बोली सच्चे दरबार की जय। चालाकी की बात नहीं फनकार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, हो हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, हो भोलेनाथ सोच रहे हैं भाई एक एक करके सब चीज हार गया हूं, अब क्या लगाऊं दांव पे जिससे मैं अपना हारा धन वापस लेकर आऊं। तो भोलेनाथ ने अब की बार वो चीज लगाई दांव पर जिसमें वो अपनी सारी वस्तु रखते हैं, अर्थात अपना झोला। दांव पर रख दिया झोला तो हो गए पकड़ भोला, दांव पर रख दिया झोला तो हो गए पकड़ भोला, गले के सर्प उतारे। बोले सब कुछ गया, तुम्हारी दुकानदारी किस काम की, तुम भी जाओ। गले के सर्प उतारे वो भी जुए में हारे, जरा हाथ ऊपर। गले के सर्प उतारे वो भी जुए में हारे, गले के सर्प उतारे वो भी जुए में हारे। चलो 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 चलो, अब भोलेनाथ के पास में बची एक चीज, अंतिम चीज बची है, क्या है? हाँ भैया क्या बचा? नहीं मालूम। अंतिम चीज है कि बची, क्या बचा भाई? चलिए भाई सैंपल दे दो। अच्छा हाथ उठाकर बताओ क्या चीज। सब लोग कह रहे हमें नहीं पता। हाँ ये सिग्नल नहीं है, हमें नहीं पता, अर्थात डमरू। अपना डमरू जो गवाए अब तो शिव जी घबराए, अपना डमरू जो गवाए अब तो शिव जी घबराए, दांव पे अब क्या लगाऊं कैसे हारा धन पाऊं, दांव पे अब क्या लगाऊं कैसे हारा धन पाऊं। तो बोली गोरा रानी सुनो जी आंगड़ दानी, तो बोली गोरा रानी सुनो जी आंगड़ दानी, और कुछ है तो लाओ न बोलो देर लगाओ, और कुछ है तो लाओ न देर लगाओ, हो हो। भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती कह रही है भोलेनाथ अगर पास में और कुछ है तो लेकर आओ, अन्यथा मैं चली और गणेश जी को आवाज मारी, क्योंकि इस खेल में दो जनों का और सहयोग है। भगवान गणेश माता पार्वती की पार्टी में है और कार्तिकेय जी भगवान भोलेनाथ की पार्टी में है, और कहते हैं जब बुद्धि और शक्ति एक हो जाए उन्हें कौन हरा सकता है। शक्ति माता पार्वती और बुद्धि के देवता भगवान गणेश हैं। एक बार हाथ उठा लो गणेश भगवान की। भगवान गणेश से माता पार्वती बोली गणेश माल बटोरो और चलो। जैसे ही भगवान गणेश आगे बढ़े भोलेनाथ कहा जाता है हीरक
भगवान गणेश को क्रोध आ गया, बोले पिताजी मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक बार झगड़ा हो चुका है, जो कुछ कहना है माता जी से कहिए। तो माता गौरा बोली भोलेनाथ बात पहले ही हो गई थी कि जो कुछ खेल होगा नगद का होगा और हार हुई चीज वापस नहीं होगी। माता गौरा कह रही नगदा नगदी नगदा नगदी काम यहाँ ना उधार की बाजी है, आज बड़े खार 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 की बाजी है। शिव शंकर की भोलेनाथ की गौरा जी से हार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है। भजन पसंद आ रहा है तो हाथों को सीधा करो, 1 2 3 4 भोलेनाथ बहुत परेशान है क्योंकि जितनी वस्तु थी सब पास से गई है, माता गौरा जीत गई है। भगवान गणेश नाच रहे हैं क्योंकि मम्मी जीत रही है, भगवान गणेश नाच रहे हैं क्योंकि मम्मी जीत रही है। और कार्तिकेय जी देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ का चेहरा उतर गया है, बड़े परेशान है प्रभु। इधर कार्तिकेय जी आए, भगवान भोलेनाथ के कान में कुछ कहकर गए, बड़ी जोरों से मुस्कुराए भगवान भोलेनाथ, बहुत जोरों से मुस्कुराए और बोले कि पार्वती एक बाजी और बची अभी मेरे पास। भोलेनाथ बाजी बची है तो दांव लगाइए और खेलिए। झगड़ा होने लगा क्योंकि भोलेनाथ ये नहीं बता पा रहे कि मैं दांव पे क्या लगाने वाला हूं। भोलेनाथ बयां नहीं कर सकते हैं कि मैं दांव पे लगाने वाला क्या हूं क्योंकि सारी चीजें तो हार चुके हैं। तो आइए किस तरीके से, जो लोग जानना चाहते हैं जरा हाथ उठाओ ऐसे करके, 1 2 3 4 ये सुनिए भगवान भोलेनाथ क्या दांव पे लगाने वाले हैं। अब तो क्या खूब ठनी है, अजब दोनों में तनी है, नशा जब उतरा सारा, भोलेनाथ का नशा फट गया, सब कुछ हार चुके हैं और जब नशा उतरा तो समझ में आई, अरे ये मैंने क्या कर दिया। अब तो क्या खूब ठनी है, अजब दोनों में तनी है, नशा जब उतरा सारा, देख कर खेल की धारा, शिव कहे सुन गौरा जी अब की है मेरी बाजी, लो चलो पासे डालो दांव इस बार संभालो। माता गौरा बोली भोलेनाथ दांव तो तब संभालूंगी जब दांव पर कुछ लगाओगे, अब जरा हाथ उठाओ। अब तो क्या खूब ठनी है, अजब दोनों में तनी है, अब क्या अच्छा आप लोग सोच सकते हैं भगवान भोलेनाथ ने क्या दांव पे लगाया हुआ, डमरू घोड़ा। हेलो एक मिनट
हाँ, कैलाश पर बता रहे नहीं, अपनी बल्दियत कैसे देते थे, सब कुछ देंगे बल्दियत नहीं देंगे। हाँ जी, क्या बात, एक बार तालियां बजाएंगे भैया के लोगों के लिए, जोरदार तालियां। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा गौरा अभी एक चाल बाकी है। बोले भोलेनाथ अगर बाकी है तो दांव लगाइए, चाल खेलने जा रहे, लो चलो पासे डालो, दांव इस बार संभालो। दांव तो तब लगाया जाएगा जब सामने माल रखा होगा। तो माता गौरा कह रही है भोलेनाथ दांव लगाइए और माल दिखाइए। बोले माल तेरी आंखों के सामने पड़ा है गौरा, लेकिन तुझे दिखाई नहीं देगा, नहीं दे रहा। बोले मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो तू ही दिखा दे। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो सुन, दांव पे मैं क्या लगाने वाला हूं, ध्यान से सुन गौरा। अब तो क्या खूब ठनी है, अजब दोनों में तनी है, अब क्या खूब ठनी है, अब तो दोनों में ठनी है। नशा जब उतरा सारा, देख कर खेल की धारा, शिव कहे सुन गौरा जी अब की है मेरी बाजी। लो चलो पासे डालो, दांव इस वार संभालो। भगवान भोलेनाथ ने दांव लगाया, दांव पर रख दी नारी, तुम से बाजी है तुम्हारी, दांव पर रख दी नारी, तुम से बाजी है तुम्हारी। कुछ नहीं मिला तो गौरा मैया को दान पे लगा दिया। दांव पर रख दी नारी और तुमसे बाजी है तुम्हारी। माता गौरा बोली भोलेनाथ कुछ नहीं बचा तो मुझी को दांव पे लगा दिया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा गौरा एक बार कहते तू मेरी पत्नी नहीं है, बाकी का काम मुझ पे छोड़ दे। एक बार तालियां बजा दो गौरा मैया के लिए। गौरा मैया ने हाथ जोड़े भगवान भोलेनाथ के सामने और कहने लगी भोलेनाथ आप जीते में हारी और करोड़ों वर्ष की तपस्या करी है तो आप मुझे मिले हो त्रिपुरारी। और हंसते हंसते माता गौरा कहने लगी कि ऐसी वैसी नार नहीं, दिया नार की बाजी है। बोल शंकर भगवान की जय। जरा हाथ बिल्कुल सीधे। हाँ जी, और ताली से बोलेंगे दुगन के संग, आज बड़े खार की बाजी है, आज बड़े हार 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 की बाजी है। शिव शंकर की गौरा जी से हार की बाजी है, आज बड़े हार की बाजी। खाली भोले भोले सुनोगे? मैंने सुने भोले की बारात सुना दूं। बारात सुनोगे या भोले भोले सुनोगे? अच्छा बताओ, बारात बारात सुनोगे? कौन कौन बारात सुनेगा? हाँ आइए, भजन के बोल हैं कैलाश खेर जी के। अगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम, कौन कौन सुनेगा? हाथ लाओ। बोल शंकर भगवान की जय। उमापते हर हर महादेव। आइए देवाजी देव महादेव भगवान भोलेनाथ के चरणों में सुंदर सी हाजिरी मन्नू एंड पार्टी के द्वारा आप लोगों के समक्ष। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि एक पत्थर टूटकर कंकड़ कंकड़ हो गया, एक पत्थर टूटकर कंकड़ कंकड़ हो गया, और एक पत्थर टूटकर शंकर शंकर हो गया। हर मंदिर हर शिवालय में भगवान भोलेनाथ पत्थर के पास जाते हैं। बहुत सी जगह बच्चे खेलते हैं, पत्थरी उठा लाते हैं, मम्मी देखो भोलेनाथ मिले। बोले शंकर भगवान की। आइए सुंदर सा गुणगान देवाजी देव महादेव भगवान भोलेनाथ। आज शिव का बंधन किया करो भाई, शिव का बंधन किया करो भाई, राम भजो जी राम भजो, आज राम भजो जी राम भजो, आज भोले की महिमा है न्यारी, भोले की महिमा है न्यारी। दुदुग 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 दुदुग। शिव का बंधन किया करो भाई, शिव का बंधन किया करो भाई, राम भजो जी राम भजो, राम भजो जी राम भजो, आज भोले की महिमा है न्यारी, भोले की महिमा है न्यारी। सुनो ध्यान से नर और नारी, सुनो ध्यान से नर और नारी, शिव के ब्याह की कथा सुनाऊं भाई, शिव के ब्याह की कथा सुनाऊं भाई, सुन लो भक्तों ध्यान लगाए, सुन लो भक्तों ध्यान लगाए, अकड़ बम
बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लारी हर हर महादेव। हाथ उठा के ताली बजा के हेलो हेलो बोल शंकर भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी दोनों आए, विष्णु लक्ष्मी दोनों आए करके अपनी सब तैयारी, करके अपनी सब तैयारी। और ब्रह्मा जी भी हंस के ऊपर, ब्रह्मा जी भी हंस के ऊपर आए करके असवारी जी, आए करके असवारी। आज राजा इंद्र बने बराती, राजा इंद्र बने बराती है रावत पर चढ़कर आए, है रावत पर चढ़कर आए। बम 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 लहरी अगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी अगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। यमराज चले भाई, भैंसे पर यमराज चले भाई, यम के दूत सभी आए भाई, यम के दूत सभी आए। आज मिलजुल कर सब खुशी मनाते, मिलजुल कर सब खुशी मनाते। आज देखो नारद भी आए भाई, देखो नारद भी आए। आज शंकर के सब गणे आए भाई, शंकर के सब गणे आए भाई। हाथ जोड़ प्रणाम करे भाई, हाथ जोड़ प्रणाम करे भाई, सब शंकर का ध्यान करे भाई, सब शंकर का ध्यान करे भाई। अगर बम 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 लहरी अगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी अज अगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। अगर भोले की बारात में जाना है तो हाथ ऊपर, वन टू थ्री फोर जय हो। आज दूल्हा बना रहे बाबा को, दूल्हा बना रहे बाबा ने कोई बदन पे राख मले जी, कोई